Please let me know when you're rolling. Are you rolling correct? Yeah, rolling. Rolling? You know, the very first question to the producer, Alex, you know, Canada the flight. इतनी कामयाब फिल्म रही पंजाबी में और आप उसको हिंदी में बनाने जा रहे हैं यहाँ और इधर सिनेमा का एक खास यू नो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कंटेंट ने किंग प्ले किया है इसका बेस्ट प्ले बहुत रिसेंट एग्जांपल है सैराट जिसने 50 करोड़ के ऊपर कमाई करी कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट का यू नो व्हाइल वर्किंग ऑन द पंजाबी वर्जन इट वाज ऑलवेज देयर कमांड यू वांट टू मेक अ फिल्म इन हिंदी टू नहीं एक्चुअली मैं अपने दोस्त के साथ में घाटकोपर में जब लगी थी तब मेरे पंजाबी दोस्त है तो उसके साथ में गया और मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और एक दो सॉन्ग्स एक दो रोमांटिक सॉन्ग स्पेशली जो एक माँ का सॉन्ग है तो वो क्या है मेरे थोड़ा मैं सेंटिमेंटल हूँ अपनी माँ को लेके तो वो मुझे बहुत सही से हिट हुआ मैंने कहा यार इतनी प्यारी फिल्म पंजाबी में बनी है तो ये फिल्म कनाडा की फ्लाइट हिंदी में बनाना चाहिए तो वो चीज़ मैंने कहा कि भाई इंडिया और कनाडा के बीच के अंदर हम ये फिल्म बनाएंगे और जैसा कैनेडा फ्लैट के अंदर जो कास्टिंग थी वो थोड़ी अलग थी मैं ये वाली फिल्म के लिए दो लड़के और दो लड़कियां लूँगा कास्टिंग चालू है अभी और फिर बाकी का अभी बस 10-15-20 दिन के अंदर लोकेशन की सेटिंग करेंगे हम ओके रेसिडेंट साहब जैसे लोकेशन की बात करें लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट रहता है जब हम कैनेडा की बात करते हैं एक यू नो आउट ऑफ इंडिया लोकेशन हो गई उसकी नेचर पे कितना काम करने वाले हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ फिल्म के अंदर लोकेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट इसके अकॉर्डिंग चयन होता है पहले तो कोई भी सॉन्ग किसी को शूट करना होता था वो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके कोई सॉन्ग सिचुएशन सॉन्ग ना भी हो क्रिएट कर देते थे उसका एक एग्जांपल अगर आपको पता तो वास्तव फिल्म है एकदम डार्क शेड की फिल्म थी और एकदम से आपने देखा होगा उसके अंदर वो हनीमून के लिए फॉरेन कंट्री चला गया तो ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाती थी पहले लेकिन मेरी फिल्म क्योंकि जैसा कि आपने पुरानी कनाडा दी फ्लाइट देखी हुई है फिल्म उसमें तीन लड़कों का ड्रीम था कि वो कनाडा जाते और वहाँ पे जाके सेटल होते यहाँ स्टोरी कुछ अलग होगी और उसके अकॉर्डिंग लोकेशंस मेरे ख्याल से मैं मैक्स टू मैक्स 60% मूवी जो है वो कनाडा में शूट करूँगा 40% इंडिया में करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाहर के लोग इंडिया का विज़न भी देखें कि क्या है इंडिया के अंदर और यहाँ के लोग कनाडा में जाने के बाद जो लोगों का हाल होता है वो भी देखें कनाडा फ्लाइट इन्होंने बनाई है तो मैंने कहा भाई ऐसा हुआ कि जो मेरा पंजाबी फ्रेंड है वो उन्हें पहचानता था तो उसने कहा भाई एक दिन मैंने कहा रिक्वेस्ट किया भाई प्लीज़ अगर मीटिंग अरेंज कर सकते हो आप तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज जैसे मैंने कहा अब स्टोरी थोड़ी अलग है कि भाई इस बार वो सपना पूरा होता है इस बार जो सपना है वो पूरा होता है तो उसके हिसाब से जैसा भी सर ने बोले कि इंडिया का भी जो है सिनेरियो वो भी दिखे और कनाडा का सिनेरियो है वो भी दिखे ओके सिकंदर साहब एक अलग रंग देना एक फिल्म को है ना एक अलग अंत बताना और एक पहले ही आप अंत बता चुके हैं उसका ये कितना चैलेंजिंग रहेगा जैसे यू नो एलेक्स ने कहा कि बहुत इमोशनल मोमेंट्स हैं स्पेशली द मदर पार्ट जी तो वो कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए और क्योंकि लोग फिल्म देख चुके हैं एक अलग जबान में और आप हिंदी में बनाने जा रहे हैं वो कितना चैलेंजिंग रहेगा देखिए क्या कि बेसिकली उस फिल्म के अंदर एक बहुत ही सॉलिड सोशल मैसेज था जो इस फिल्म में भी रहेगा लेकिन जो स्टोरी लाइन होगी जो स्क्रीन प्ले होगा वो ज़रा दूसरे तरीके से घूमेगा मतलब लोगों को लगेगा नहीं कि एक बार भी ये कनाडा दी फ्लाइट की सेम टू सेम कॉपी है बस मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ टाइटल जो है सिर्फ टाइटल सेम रहेगा और उसके जो उन लोगों के ड्रीम्स थे जो कि चाहे वो बॉम्बे में कोई रहता हो चाहे वो पंजाब में रहता हो राजस्थान में रहता हो केरला में रहता हो बाहर जाने के वो ड्रीम सेम होंगे बस ओके कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कास्टिंग को लेके किसी को ध्यान में रखा है देखिए जैसा कि एलेक्स सर ने बताया कि उनको न्यू कमर्स को ही चांस देना है जिससे कि उसके भी दो रीज़न है देने के एक तो वो पार्ट बड़े स्टार्स की डेट लेना काम करना ये एक बड़ा लंबा पीरियड हो जाएगा और दूसरा एक नए लोगों के साथ बड़ा पैशनेट होकर काम करने की एक
लोगों में इच्छा रहती है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो नई कास्टिंग होगी हम और सपोर्टिंग कैरेक्टर हम नो डाउट वो सारे बड़े लेंगे. ओके एलेक्स, जैसे सिमन साहब ने बताया कि नई कास्ट को ही आप लेना चाहेंगे, आप खुद भी बहुत डैशिंग है यार, तो आप खुद क्यों नहीं सोचते ऐसा बनने के, यू नो, डिडंट टच यू योर माइंड समवेयर कि हां मैं ही कर, ऐसा ऐसा कर हुआ, सर ने सजेशन भी दिया है, मगर नहीं, मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने जो कंपनी भी मेरी कंपनी भी है, तो वो जो नया टैलेंट आएगा तो वो उनका सपना पूरा हुआ. मेरी कंपनी का नाम ही ड्रीम्स कम ट्रू है, तो वो सपना पूरा हुआ उनका. तो मेरा सपना तो ये मूवी बन जाएगी तो पूरा ही हो जाएगा. मैं चाहता हूँ कि जो एक्टर्स है उनका भी सपना पूरा हो. क्या बात है, उनका भी सपना पूरा हो. ओके म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा मतलब पंजाबी है जी, ऑलमोस्ट आधे आधे ज्यादा कनाडा में आपको पंजाबी बिल्कुल ठीक है. अगर हम इंडियंस की बात करें, यू नो, यू फाइंड पंजाबीज एवरीवेयर. म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम पंजाबीयत की बात करते हैं, जब हम, यू नो, संगीत की बात करते हैं, क्योंकि संगीत सब यूनिवर्सल है लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा उसको तवज्जो दी जाती है. म्यूजिक को लेकर क्या आपकी प्लानिंग है और किसको आप एज ए म्यूजिक डायरेक्टर साइन करने की प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको इस बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इस आंसर को देने में थोड़ा सा वक्त लगाऊंगा. जो मेरी पुरानी जो पहली वाली फिल्म है मेरी कनाडा दी फ्लाइट, उसमें मैंने 3 डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ वर्क किया, क्योंकि हर का अपना अपना अलग टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, अलग की सोच होती है. और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि 3 हफ्ते तक विंग पे वो नंबर 1 पे रहा कनाडा दी फ्लाइट. उसका श्रेय मेरे म्यूजिक एक्टर्स को जाता है और मेरी उस पेशेंस को जाता है जिसके लिए मैंने गानों का सिलेक्शन किया. मेरे ख्याल से मैंने हर बारी 10-10, 20-20 गाने सॉन्ग सेलेक्ट किए, फिर कुमार जी से लिरिक्स लिखवाई. सेम चीज़ मैं इसमें करने जा रहा हूँ. मतलब मैं सॉन्ग्स का सिलेक्शन इसलिए कि और मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा रहा, मैं इतनी सारी वीडियोज़ कर चुका हूँ और थोड़ी बहुत सॉन्ग मुझे सॉन्ग की नॉलेज है कि किस तरीके की सिचुएशन सॉन्ग्स पर कैसे सॉन्ग्स होने चाहिए. तो मुझे लगता है उस पुरानी फिल्म से भी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छे गाने इस फिल्म में. इसमें जो गाने थे तो पंजाबी होंगे जी, पंजाबी सॉन्ग्स जी. इसमें सर क्या होता है, सॉन्ग की तो भाषा कुछ नहीं होती है कायदे में, मतलब इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ आपको उस, हाँ, लेकिन ऑब्वियस इसमें हिंदी सॉन्ग्स रहेंगे और वो सॉन्ग्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होंगे. मैं ऐसा कोई गाना नहीं डालूंगा कि मैंने ज़बरदस्ती कोई आइटम नंबर डाल दिया फिल्म के अंदर, मैं सिचुएशनल सॉन्ग्स डालूंगा सारे के साथ. ओके सिकंदर साहब, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, सैराट जैसी फिल्म जब आती है और इतना, यू नो, कामयाब बिजनेस करती है, सरबजीत का हाल देख लीजिए आप, 3 करोड़ बिजनेस है, और सैराट जैसी फिल्म आती है, रीजनल फिल्म 50 करोड़ के ऊपर चली जाती है, तो कितना पॉजिटिव साइन मानते हैं आप कि ऐसे माहौल में आप एक फिल्म को हिंदी में बनाने जा रहे हैं जहाँ पे रीजनल सिनेमा को इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन, इतनी ज्यादा कामयाबी मिली? देखिए, मैं आपको इस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. कोई भी डायरेक्टर जो काम करता है वो कभी ये सोच के नहीं करता कि उसकी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करेगी या 2 करोड़ का बिजनेस करेगी. वो तो ये सोचते हैं दी बेस्ट है मेरी फिल्म जो मैं बना रहा हूँ, और ये हर डायरेक्टर की सोच होती है, मेरी सोच नहीं, हर डायरेक्टर की होती है. जब सैराट के डायरेक्टर साहब ने फिल्म बनाई होगी तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी. भगवान ना करे अगर वो इन केस वो फिल्म फ्लॉप जाती है, वैसे और कई डायरेक्टर्स ने भी फिल्में बनाई हैं, तो हो सकता है उनको भी बड़ा भारी सेटबैक लगता. लेकिन सरबजीत जैसी फिल्म, और अगर आप पुराना एग्जांपल देखें फुकरे और भेजा फ्राई 1, पुरानी फिल्म थी, बहुत कम बजट में बनी और बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन उसका पार्ट 2 उन्होंने बहुत एक्सपेंस किया, बहुत पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पाई. खोसला का घोसला, वेनसडे, तेरे बिन लादेन, ये एग्जाम्पल है आज इंडस्ट्री के अंदर सर, कि आप वो टाइम चला गया कि आप 50 करोड़ की फिल्म बनाओगे तो ही बड़ा बिजनेस करेगी. आज आप 5 करोड़ की फिल्म, अच्छी फिल्म बनाओ नए आर्टिस्ट के साथ, सपोर्टिंग आर्टिस्ट अच्छे हो, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो और आपकी स्क्रीन प्ले पे पकड़ो, तो फिल्में हिट होती. ओके एलेक्स, आपसे बात, हम कब तक आप फ्लोर पे जा रहे हैं और फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग कब तक? जैसा लोकेशन सेट हो गया, जैसे मैंने कहा कि अभी 15-20 दिन में हम लोकेशन सेट करेंगे, फिर उसके बाद में तो फिर सर्व डिपेंड करता है. लोकेशन हंटिंग के बाद ये डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि मैं लोकेशन हंटिंग के लिए जाने वाले कहाँ कहाँ हैं आप? कनाडा का आपने जिक्र किया, हिंदुस्तान की अगर बात करें क्या पंजाब का भी, पंजाब के अंदर पंजाब तो इसमें नहीं पार्ट रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें आउट ऑफ इंडिया कनाडा का ही पार्ट रहेगा. और जैसे आपने कहा सर इंडिया 40% दिखाने वाले, हाँ, उसके अंदर इंडिया के अंदर मुंबई का पार्ट रहेगा, क्योंकि वो लड़का जो है जो इस फिल्म के अंदर फ्लाई करेगा वो मुंबई से करेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
लोकेशन हंटिंग बोलते हैं उसको सेटनी लोकेशन हंटिंग हंटिंग लोकेशन हंटिंग लड़की के साथ ही समझो ना सुनो